क्वेश्चन नंबर सिक्स, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम। अब हमें क्या करना है, जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ये क्वेश्चन। उसका इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, हमें नंबर्स दिए हैं, जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बनाया था अपना, उसी तरह से हमें ये दे दिया है, और हमें अब यहाँ पर इनका सम किए बिना नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, हमने पहले क्या किया था बच्चों, पहले भी हम नंबर काउंट करते थे, अब भी हम नंबर काउंट कर लेंगे। कितने हो गए, सिक्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिक्स नंबर ये काउंटिंग में हो रहे हैं, और सिक्स से और मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से सेकंड पॉइंट है इसका। अब इसमें ये नंबर दिए हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इनको काउंट करो। ठीक, नंबर्स जितने भी दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं, इसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, नंबर जितने लिखे हैं उतने काउंट करो और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा इसका आंसर विदाउट एडिंग। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, अब सारे नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 नंबर हैं। ठीक है, 5 और नंबर, उसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 25। अगर इसका सम करोगे आप तो 25 ही आएगा। ठीक है, अगले नंबर देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है, तो उसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 8 नंबर्स हैं और 8 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 64। अगर इसका आप टोटल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। तो बच्चा ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है।